जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 43 केंद्रों पर 15,455 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 2006 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 13,449 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शनिवार को वरीयता के आधार पर सेकेंड डोज लेने वालों का वैक्सीनेशन किया गया। CMO ने बताया कि अब तक जिले में 22 लाख के करीब लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि डेंगू और सीजनल बुखार से बचने के लिए बच्चों को भीगने से बचाएं और जो लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं वह नदी में बिल्कुल ही न नहाएं, क्योंकि मुंह में गंदा पानी जाने से शरीर में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। अगर किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो CSC या PSC पर जाकर दवाइयाँ ले सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, आज हमारे जनपद पे 43 जगहों पे वैक्सीनेशन चल रहा है। आज स्कूलों से भी सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन हो रहा है। अभी हम संक्रामक रोग में बैठे हुए हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, महिलाएं ज़्यादातर आई हुई हैं वैक्सीनेशन के लिए। अब इधर हमारा सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन काफ़ी हो गया है, हम 3 लाख से ऊपर क्रॉस कर गए हैं। अभी तक हम 22 लाख से ऊपर के डोज लगा चुके हैं, तो 43 जगहों पर वैक्सीनेशन चलना बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। जनपद से अपील है कि आजकल डेंगू के और सीजनल बुखार के समय आ गया है, तो बच्चों को पानी में भीगने से बचाएं और बाढ़ के किनारे जो लोग भी रहते हैं वो नदी के पानी में बिल्कुल नहाएं, नहीं तो वो गंदा पानी जो उनके मुंह में जाता है वो शरीर पर इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो इस चीज़ को अवॉइड करें। और बुखार अगर आता है तो हमारे CSC PSC पर आके संपर्क करें और उसकी दवाई लें और उसका इलाज कराएं।